अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस यू न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, पौड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके जलपली तालाब के पास 7 दिसंबर के दिन एक नामालूम लाश दस्तियाब हुई थी लड़की की। इसी के साथ चलते हुए पौड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के CI ने इस केस को दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। इसी के साथ आज पौड़ी शरीफ पुलिस ने एक केस को सॉल्व करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। ये औरत जिसका नाम नसीम फातिमा बताया जा रहा है, चंद्रान गुट्टे की रहने वाली बताया जा रहा है, और इसका कत्ल 23 साल फिरोज़ नामी शख्स जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, साकिन हफीज़ बाबा नगर कंचनबाग पुलिस लिमिट का बताया जा रहा है। फिरोज़ नसीम फातिमा को सेक्स करने के लिए उकसाया था, जिसमें नसीम फातिमा मना करने के बाद फिरोज़ को गुस्सा आया। आते ही तेज़ धार स्क्रू ड्राइवर से नसीम फातिमा के गले के ऊपर वार कर दिया। इसी के साथ उसको मोहाली गनेटों से उसका सर भी कुचल डाला। आज DCP LB नगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस केस का खुलासा किया। आइए देखते हैं DCP की ये ज़ुबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें 7 तारीख को सुबह जलपल्ली लेक के बाजू में एक डेड बॉडी लेडी की रह करके इन्फॉर्मेशन मिली, तो इमिडिएटली सारे टीम्स वहाँ पे पहुँचे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। तो इसमें जो लेडी का हेड था, एक पत्थर से क्रश किया हो करके ऐसा वहाँ पे था स्पॉट पे। तो इसमें सारी तरह की इन्वेस्टिगेशन सभी एंगल से स्टार्ट की गई। इसमें CCTV कैमरा और हमारा डॉग स्क्वाड, क्लूज टीम, वैसे ही हमारी SOP टीम और लॉ एंड ऑर्डर टीम, सारी टीम्स ने अलग अलग एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और इसका लेडी का फोटोग्राफ एरिया में दिखाते हुए तो एक एरिया से मालूम पड़ा, और वो इसमें एक विटनेस हमको मिला तो उन्होंने बताया कि लेडी उनकी रिलेटिव है। तो उसके बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हुआ, तो एक CCTV कैमरा में हमको इसका फुटेज मिला कि लेडी पिछली रात में ऑटो चढ़ी थी कहाँ पर। तो उससे हमने ऑटो को आगे ट्रेस किया, तो फिर आगे मालूम पड़ा कि जो इस मर्डर को अंजाम देने वाला उसका नाम है मोहम्मद फिरोज़, ये 23 साल का है, ये ऑटो ड्राइवर है, कंचनबाग एरिया में बाबा नगर में रहता है। तो ये जो लेडी है इसका नाम है नसीम फातिमा, ये 30 ईयर्स की है, ये चंद्रगन होटल लिमिट्स की है। तो हफीज़ बाबा नगर में अपने रिश्तेदारों के घर में आई हुई थी, तो रात को ये ऑटो चढ़ी अपना घर जाने के लिए चंद्रगन होटल की साइड। तो बीच में रास्ते में ये ऑटो ड्राइवर ने इसको सेक्सुअल फेवर्स के लिए पूछा, जब लेडी ने मना किया तो उसको थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगा। तो उसी चक्कर में फिर वहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर था ऑटो के अंदर ही, उसने स्क्रू ड्राइवर उठा के लेडी के गर्दन के पास मारा, वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से ये थोड़ा घबरा गया और कि अभी पुलिस के इंफॉर्मेशन मिल जाता करके इसने प्लान किया कि इसको मर्डर कर देता हूँ। तो वहीं से ऑटो ड्राइव करके वो लेक के पास में लेके आ गया और वहाँ पे एक पत्थर लेके लेडी के सर पे मारा और ऐसे इसका मर्डर कर दिया। इस केस में हमारा पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल एक डेड केस टाइप का, इसमें बिना कोई क्लूज के भी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके केस को डिटेक्ट किया। इसमें हमारे ACP बनसलीपुरम पुरुषोत्तम एंड पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर विष्णु, पहाड़ी शरीफ DI अर्जुनैया और हमारा बाकी का सारा टीम ने भी बहुत अच्छा काम करके इस केस को डिटेक्ट किया। उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँ सर। इसके ऊपर कुछ सर थोड़ा सा क्या है, आप देखेंगे जलपली गेट से जो मैलारदेपल्ली जाने का रास्ता है जी सर, पहले वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज डंप होती थी जी, कुछ साल पहले जी। तो उस एरिया में पेट्रोलिंग पूरा लगाया, तो अभी बिल्कुल ही डंप होना बंद हो गया बिल्कुल। बाकी आपने सजेशन दिए, इससे और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे क्योंकि होगा, बाकी लोकल इन्फॉर्मेशन भी मिली।